जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सर्दी का मौसम आ गया है और हिल स्टेशन में स्नोफॉल वाली जगह में सबका विचार बन रहा होगा और आई थिंक सब कोई जाना भी चाहते होंगे। आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको इन स्नोफॉल वाले जगहों में से एक सबसे फेमस जगह यानी कि हिमाचल प्रदेश का शिमला और मनाली ट्रिप की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि आप शिमला और मनाली जाना चाहते हैं और स्नोफॉल के समय पर जाना चाहते हैं, क्या पैकेज कॉस्ट आएगा, कैसे पैकेज आपको लेना है, कैसे आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला घूमने के लिए पहुँचना पड़ेगा, बाई ट्रेन कैसे पहुँच सकते हैं, बाई फ्लाइट कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने की क्या बंदोबस्त होगी, कौन सा होटल लेना बेस्ट रहेगा, खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, कौन कौन से हम डेस्टिनेशन पे घूमें, कौन कौन से साइट सीनिंग पे हमको विजिट करना है और इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा, हम वहाँ पे टैक्सी हायर करके घूमें या फिर हम पैकेज के थ्रू डायरेक्टली हम कोई भी कैब डिजायर गाड़ी या फिर इनोवा गाड़ी हम बुक करके घूमें, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन ए से लेकर जेड तक आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसमें से मैं आपको शिमला प्लस मनाली दोनों आपको एक साथ कैसे करना है इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहली बात कि हमको हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली घूमने के लिए हम बाय ट्रेन कैसे पहुँच सकते हैं, यानी कि पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वह आपका बाय ट्रेन का। दोस्तों ट्रेन से अगर आप आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है वहाँ का शिमला का रेलवे स्टेशन, लेकिन इस शिमला रेलवे स्टेशन पर आपकी केवल और केवल चलती है टॉय ट्रेन। तो यानी कि अगर आप टॉय ट्रेन से आना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन का भी राइड आप ले सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत ये सफ़र होता है। 5 घंटे की ये राइड होती है और ये जो कालका से चलती है टॉय ट्रेन ये शिमला तक ही आती है। कुल मिला के अगर आप टॉय ट्रेन राइड लेना चाहते हैं तो आप कालका आइए, कालका से आप टॉय ट्रेन पकड़ के आप पहुंच सकते हैं शिमला। वही अगर आप बड़े रेलवे स्टेशन पे आना चाहते हैं तो बेस्ट सुटेबल स्टेशन है वो है चंडीगढ़ का जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि आप चंडीगढ़ आ जाइए और चंडीगढ़ से आप बाई रोड डिस्टेंस कवर करके आप पहुंच सकते हैं शिमला। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और आप 3 घंटे हार्डली लगते हैं और आप शिमला पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन था कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, टॉय ट्रेन से आना चाहते हैं तो कालका आइए और अगर आप डायरेक्टली चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो बाई रोड आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के लिए, यानी कि चंडीगढ़ के लिए आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट आके आप बाई रोड शिमला पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वही अगर मैं बात करूँ कि जो लोग फ्लाइट से भी नहीं आ रहे हैं और अगर आप जो लोग पंजाब हरियाणा के हैं तो वो चंडीगढ़ से बाई बस भी आ सकते हैं, क्योंकि बस से आने में आपको लगभग वही 3 से 4 घंटे लगते हैं और आप पहुंच जाएंगे शिमला। चलिए दोस्तों मुख्य बात करते हैं कि अब हम शिमला पहुंच चुके हैं और हमको शिमला में अब स्टे कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों ये है शिमला का मॉल रोड, आप देख सकते हैं ये है स्ट्रीट रोड यानी कि मॉल रोड। अब यहाँ पर भी कुछ होटल्स हैं मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर 3-स्टार प्रॉपर्टी चाहिए या फिर अगर आपको बहुत अच्छे कैटेगरी के होटल चाहिए तो आप शिमला से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस पे आप दूसरे होटल्स देखिए, वहाँ पे आपको बेस्ट रूम मिल जाएंगे, व्यू रूम्स वाले भी देखने को होटल्स मिल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप शिमला मॉल रोड के पास मत लीजिए क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टी थोड़ी ओल्ड हो गई है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, तो खाने पीने की आप चाहे आप वो शिमला के किसी भी होटल में स्टे किए हुए हैं तो उस होटल में ही आप डायरेक्टली अपना खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं या फिर आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप लोकल डिश भी ट्राई कर सकते हैं, हिमाचल का फूड आप रेस्टोरेंट पर जाके भी खाना खा सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप मान के चलिए अगर आप जैसे थाली लेते हैं तो आपको हार्डली 160 रुपये से लेके 200 रुपये तक की थाली मिलेगी और आप भरपेट खाना खा लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका डे नंबर 1, यानी कि डे नंबर 1 आप केवल और केवल अपना पिकअप डे समझिए, क्योंकि जिस भी टाइम पर आपकी ट्रेन फ्लाइट आ रही है तो आप चंडीगढ़ पहुँचिए या फिर आप शिमला के टॉय ट्रेन तक आइए और शिमला स्टेशन आइए और वहाँ से आप होटल जाइए और होटल में आप पहला दिन अपना विश्राम कीजिए। कुल मिला के डे नंबर 1 यहाँ पर आपका खत्म होता है और उस रात आप होटल में जाके विश्राम कीजिए। अगली सुबह दोस्तों यानी कि डे नंबर 2 में सबसे पहले आपको उठना है, ब्रेकफास्ट करके हमको चल पड़ना है हमारे कुफरी के लिए। कुफरी दोस्तों हमारे शिमला से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, तो आप ये कुफरी आइए और यहाँ पे आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नो का पूरा भवंडर है, यहाँ पे आप स्नो के साथ खेलिए और यदि कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो यथा होती है, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर स्नो मिलती है, लेकिन केवल और केवल ये विंटर के टाइम पर ही कुफरी में स्नो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुफरी साइट सीनिंग करने के पश्चात हम अब चलते हैं दूसरे स्पॉट की तरफ और वो है वहाँ का हनुमान जी का मंदिर, जिसको बोला जाता है शिमला का झाकू टेम्पल। दोस्तों ये झाकू टेम्पल कहना चाहिए कि एक हनुमान जी की 108 फीट ऊंची भव्य यहाँ पे प्रतिमा देखने को आपको मिलेगी, जो कि आप खड़े अवतार में हैं। तो आप यहाँ भी आइए, इनके मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए और हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात निकल पड़िए आप अपने तीसरे स्पॉट
स्पॉट के लिए, यानी कि वो है शिमला का लोकल मार्केट यानी कि मॉल रोड। दोस्तों ये है शिमला का मॉल रोड, जहाँ पे एक नहीं अनेक पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। इस समय पे मैं हूँ शिमला के मॉल रोड में, और मॉल रोड में आपको बहुत सारे साइट सीन देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कैंडल पॉइंट, द क्रिस्ट चर्च, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा लक्कड़ बाजार। तो सभी चीजों को आप इंजॉय कर सकते हैं। लक्कड़ बाजार में आपको लकड़ियों की वस्तु मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना शानदार बेहद खूबसूरत नजारा यहाँ पे इस मॉल रोड का है। तो आप यहाँ कुछ समय रहकर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स कवर करने के पश्चात आपका डे नंबर 2 कंप्लीट होता है। कुल मिला के डे नंबर 2 में आप फुल डे साइट सीनिंग करेंगे, कुफरी करेंगे, मॉल रोड करेंगे, झाकू टेंपल, स्कैंडल पॉइंट, ये सब करके आप होटल पे स्टे कर लेंगे उस दिन। अगले दिन यानी कि डे नंबर 3 में आपको शिमला टू मनाली जाना है, जो कि आपका केवल जर्नी में ही आपका ये दिन निकल जाएगा। डे नंबर 3 में दोस्तों हम चल पड़े अपनी गाड़ी उठा के अपने मनाली की तरफ, और ये डे नंबर 3 में आपको जो डिस्टेंस तय करना है वो मान के चलिए कि 280 से 290 किलोमीटर तय करना है, जहाँ पे हम जगह जगह पे साइट सीइंग भी करते जाएंगे, जो भी कोई व्यू पॉइंट्स आएंगे वो करेंगे, और हम वाया कुल्लू होते हुए, शॉल फैक्ट्री होते हुए, या अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो वो करते हुए हम फाइनली पहुँचेंगे मनाली। और ये है मनाली का एक बेहद खूबसूरत सा नज़ारा। उस दिन हम डे नंबर 3 में मनाली में होटल में आएंगे, वहाँ हम स्टे करेंगे, और स्टे करने के पश्चात हम डे नंबर 4 अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलेंगे सोलांग वैली के लिए। दोस्तों सोलांग वैली वहाँ से लगभग 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनाली होटल से, जहाँ भी आप अपने मॉल रोड पे आसपास होटल लेंगे। तो ये आप मनाली से निकलेंगे सोलांग वैली जाने के लिए। अब सोलांग वैली में क्या क्या चीज़ें हैं आगे तो वो मैं बताऊँगा ही, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है आपको शिमला और मनाली घूमने का, और आप कौन से समय पर आपको स्नो दोनों ही जगह पर मिलेगी। दोस्तों दिसंबर एंड से, या फिर ये कहना चाहिए कि दिसंबर मिड से, आपको शिमला के कुफरी में भी स्नो मिलेगा, और साथ ही साथ अभी मैं चल रहा हूँ मनाली में, आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे भी यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी। कुल मिला के मनाली के सोलांग वैली में भी मिलेगी। मैं जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल के बाहर भी स्नोफॉल हुई पार्किंग एरिया में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दिसंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आपको डेफिनेटली दोनों जगह पे स्नो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इस टाइम पे अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि विंटर में ही सबसे अच्छा समय हो जाता है। रोहतांग पास इस टाइम पे ओपन नहीं होता है, जो कि मनाली से 52 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अटल टनल भी बंद होता है क्योंकि हैवी स्नोफॉल होता है। तो आप सोलांग वैली में ही और मनाली में ही आपको इतनी ज़्यादा स्नो मिल जाएगी कि आप वहीं ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अटल टनल, क्योंकि वो ओपन भी नहीं होता, साथ ही साथ वहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो गाड़ी जाना पॉसिबल नहीं होती है। तो दोस्तों आप ये टाइम पीरियड पे बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रश और सबसे ज़्यादा महंगा जो होता है होटल्स की रेट, वो होती है क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पीरियड में। दूसरा आपका होता है अप्रैल से लेके जून वाला जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे सीज़न होते हैं करके होटल्स के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इन दो आप टाइम पीरियड को छोड़ देंगे तो आपको बजट होटल्स भी मिल जाएंगे, गाड़ी भी आपको सस्ती मिल जाएगी, और आप ये सारी चीज़ें घूम फिर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल रहा है, और पॉपअप में भी आपको एक सामने नंबर लिख रहा है, इस नंबर पर जाके आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के पश्चात आपको जो भी पैकेज चाहिए, जो भी आपको आइटनरी चाहिए, जितने दिन के लिए चाहिए, जितने लोगों के लिए चाहिए, वो सभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉल करके यदि आप शिमला मनाली का पैकेज लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं। हालांकि अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको अभी कॉस्ट भी बताऊंगा कि शिमला और मनाली को घूमने के लिए खास करके एक कपल को कितना खर्चा आ जाएगा 3-स्टार होटल के साथ और ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आइए अब हम पहुँचते हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले सोलांग वैली में जैसे ही मैं पहुंचा तो यहाँ पे देखा कि लोग स्कीइंग भी कर रहे हैं, तो स्कीइंग भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे याक राइडिंग की भी फैसिलिटी थी। मैंने बोला कि चलिए याक राइडिंग भी किया जाए। और यहाँ पे एक और नया चीज़ था मेरे लिए, जो पहला एक्सपीरियंस था वो था रॉकेट जंपिंग। तो ये रॉकेट जंपिंग भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डर भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट है ट्यूब राइडिंग, जो कि यहाँ के स्नो पे होती है। तो आप ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद से भी फिसल पट्टी बना के आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे लोग ट्रेडिशनल यहाँ के ड्रेस पहन के, हिमाचली ड्रेस पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन के यहाँ पे नाच गाने का भी कुछ आयोजन किया। तो इस तरीके से सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया स्नो में, क्योंकि यहाँ पे फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, यहाँ का व्यू भी बहुत शानदार था। और आप उस दिन वापस अपने होटल आइए और स्टे कर लीजिए। कुल मिला के आपका डे नंबर 4 इस तरीके से ख़त्म होता है। अगली सुबह आप उठिए, ब्रेकफास्ट करके निकल पड़िए आप मनाली के लोकल साइट सीनिंग पे।
दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के वशिष्ठ टेम्पल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्म पानी का स्रोत है, देख रहे हैं यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ का पानी काफ़ी गर्म है। तो यहाँ अगर आप वशिष्ठ टेम्पल, यहाँ पे कुंड है जो कि आपको वशिष्ठ कुंड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आइए, यहाँ स्नान कीजिए, यहाँ पर समय बिताइए। इसके बाद आप यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर में भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये वशिष्ठ कुंड के ही बगल में बना हुआ है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इस वशिष्ठ टेम्पल में भी आप आके वशिष्ठ जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। ज़्यादा भीड़ होती नहीं है तो आप यहाँ आके दर्शन कीजिए, लगभग आपको 5 से 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे और आप चलिए अगले स्थान की तरफ। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे फिलहाल हूँ मनाली के यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल में, जो कि भीम की पत्नी है। तो यहाँ अगर आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ आपको एक और मंदिर मिलेगा जो कि है घटोत्कच मंदिर। तो यहाँ आइए, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ का आप पाइन ट्री का भी नज़ारा देख सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था वहाँ का हडिम्बा मंदिर, जो कि आपका मनाली का एक और डेस्टिनेशन कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे घटोत्कच मंदिर भी है, तो इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब करने के पश्चात आप डे नंबर 5 में वापस होटल जाइए और मनाली में स्टे कर लीजिए। कुल मिलाकर 2 नाइट स्टे शिमला का, 3 नाइट स्टे मनाली का, तो टोटल हो गए 5 नाइट्स। और छठवें दिन आपको होटल से चेकआउट करके आप चल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि चंडीगढ़ जंक्शन के लिए, अगर आपका ड्रॉप चंडीगढ़ है। अदरवाइज अगर आपकी ट्रेन कालका से है तो आप कालका से भी ले सकते हैं, फ्लाइट है तो आपको चंडीगढ़ जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मनाली से चंडीगढ़ जो आपको जाना है, तो मनाली से चंडीगढ़ की दूरी लगभग आपकी मान के चलिए 11 से 12 घंटे लगते हैं। अगर आप इनोवा या डिज़ायर गाड़ी में हैं तो आपको 10 से 11 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम होने की वजह से आप उतने टाइम पे पहुंच सकते हैं। बट यदि ट्रैफिक हुआ तो आप मान के चलिए कि 12 घंटे आपको डेफिनेटली लग जाएंगे। तो ये रहा आपका दोस्तों शिमला और मनाली का संपूर्ण वर्णन। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दृश्य दिखाए हैं, ये एक्चुअली ये दृश्य था मेरा ग्रुप टूर का, और अभी 2023 में जनवरी के मंथ में आपका जा रहा है शिमला और मनाली का ग्रुप टूर। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो अभी तक नहीं मिली है या फिर अगर आप वो अप्रोच नहीं की हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके जो भी जानकारी है ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वीडियो लिंक, जिसमें ग्रुप टूर की अनाउंसमेंट की गई है। तो दोस्तों ये जनवरी मंथ में मकर संक्रांति के आसपास ये ग्रुप टूर जा रहा है, तो उस आप ग्रुप टूर में शामिल होकर ये जितने भी आपने क्लिप्स देखी है, ये हमारे फरवरी मंथ 2022 की ग्रुप टूर की क्लिप्स है, जो कि सबने एंजॉय किया और काफी सक्सेसफुल ये हमारी ग्रुप टूर रही है। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि ये शिमला और मनाली को घूमने के लिए एक कपल का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप 3 स्टार होटल में रुकते हैं और आप खाने पीने की बंदोबस्त करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट डिनर ऐड है उसमें, और आप चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ अगर अपनी ट्रिप बनाते हैं, तो आपका एक कपल का जो खर्चा आएगा, मान के चलिए कि ये मैक्सिमम 23 से 24,000 आएगा और आप 5 नाइट 6 डेज की ट्रिप आसानी से कर लेंगे। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी पैकेज देता है तो बिल्कुल आप वो प्रीफर मत कीजिए। कुल मिला के आपका आराम से विदिन अ 25,000 रुपीज़ में आपका शिमला मनाली की ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा शिमला मनाली का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर अगर आपको कोई संशय है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछे, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।